नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के विधानसभा स्पीकर हुए महामारी पॉजिटिव, एक दिन पहले पीएम मिले थे संक्रमित। धमाकों की धमकी देने वाला पुलिस ने किया गिरफ्तार, आर्मी को बदनाम करने का उठाया था कदम। हरियाणा में महामारी पूरे चरम पर, मरीजों की संख्या 54,000 के पार। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में महामारी अपने पूरे चरम पर है, वहीं अब हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी महामारी से संक्रमित पाए गए हैं। विधानसभा स्पीकर की महामारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, एक दिन पहले ही उनके पीए भी संक्रमित मिले थे। वहीं विधानसभा के 6 कर्मचारी भी महामारी से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के महामारी से संक्रमित होने पर अब विधानसभा सत्र की जिम्मेदारी डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा पर आ गई है। आज सोमवार को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी अपना महामारी का टेस्ट करवाया है। डॉक्टरों ने उनका सैंपल ले लिया है। दरअसल विधानसभा जाने के लिए सभी मंत्रियों और विधायकों को टेस्ट करवाना अनिवार्य है। हरियाणा विधानसभा का सत्र 26 अगस्त से शुरू होगा। कोरोना टेस्ट करवाए बगैर किसी भी विधायक, कर्मचारी, मंत्री और पत्रकार को विधानसभा में एंट्री नहीं मिलेगी। जिला स्तर पर सभी विधायकों के महामारी सैंपल लिए जा रहे हैं। इसी के तहत स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी अपना महामारी का टेस्ट करवाया है। सोनीपत के सेक्टर 23 में बुजुर्ग महिला से मारपीट करने वाली बहू सरोज व उसकी मां ममता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महिला से मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की है। वीडियो में बुजुर्ग महिला से सफाई करवाते और उसके साथ मारपीट करते हुए महिला साफ नजर आ रही है। मारपीट की ये वीडियो मारपीट करने वाली बहू के बच्चों ने बनाई है और अपने मामा के पास भेजी थी। वीडियो के जरिए उन्हें जानकारी मिली और मामला पुलिस तक पहुंचा। इस दौरान महिला आयोग सदस्य सोनिया अग्रवाल सिटी थाना पहुंची और मामले में उचित कार्रवाई करने की बात कही है। एक युवक ओएलएक्स पर ठगी का शिकार हो गया। उसे किसी ने खुद को आर्मी मैन बताकर ठगी कर ली। इससे आहत होकर वह गुस्से में आए युवक ने सेना और पुलिस को परेशान करने की नीयत से अंबाला एयरबेस, दिल्ली, श्रीरामनगर, अयोध्या और पंजाब को बम से उड़ाने की धमकी का पत्र भेज दिया। उसे अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने धमकी भरा पत्र लड़की के नाम पर भेजा था। पकड़े गए युवक विशाल कुमार ने पुलिस के समक्ष इसका खुलासा किया है। उसने खुलासे में बताया कि धमकी भरे पत्र में जिस लड़की के नाम का जिक्र किया गया है वह काल्पनिक है। उसने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसने इंटरनेट पर एयरफोर्स, सीआरपीएफ, आईटी, बीपी, आरआईएसएफ और बीएसएफ हेडक्वार्टर के बारे में जानकारी जुटाई और अंबाला एयरबेस, दिल्ली, श्रीरामनगर, अयोध्या, पंजाब को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। अब पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। हरियाणा में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 54,000 के पार हो गई है। प्रदेश में महामारी के 1,096 नए मामले सामने आए, वहीं 6 मरीजों की इस संक्रमण से मौत हो गई। इसके साथ ही 809 मरीजों के ठीक होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। हरियाणा में अब 54,386 महामारी के मामले सामने आए हैं, जिनमें 44,822 मरीज ठीक हो चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में महामारी के 8,961 एक्टिव मामले हैं और 603 लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। कांग्रेस में नेतृत्व संकट के बीच आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चली है। इस दौरान नेतृत्व के सवाल पर खुलकर बातें हुई हैं। बैठक के दौरान पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कह दिया कि वो अब आगे पार्टी अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहती हैं। हालांकि राहुल गांधी ने चिट्ठी को लेकर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आखिर यह टाइमिंग क्यों चुनी गई, जब राजस्थान और मध्य प्रदेश में वे लड़ रहे थे, जब सोनिया गांधी बीमार थे और उसी वक्त यह चिट्ठी क्यों लिखी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे अरुण जेटली की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुण जेटली को याद करते हुए कहा कि वह एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ, विपुल वक्ता और एक महान इंसान थे, जिनकी जगह भारतीय राजनीति में कोई नहीं ले सकता। गौरतलब है कि पिछले साल 24 अगस्त को ही दिल्ली के एम्स में अरुण जेटली का निधन हो गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दिन भी पिछले साल हमने अरुण जेटली को खो दिया था, मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है।
पिछले 5 दिन से पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है। सोमवार को 13 पैसे की बढ़त के बाद दिल्ली में पेट्रोल का दाम 81.62 रुपए प्रति लीटर हो गया है। हालांकि डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। डीजल की कीमत में पिछले महीने पेट्रोलियम कंपनियां काफी बढ़ोतरी कर चुकी हैं, जबकि पिछले 9 दिनों में पेट्रोल करीब 1.19 रुपए महंगा हो चुका है। नारायणगढ़ में डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अनुयायियों ने गांव ओखल में बने नाम चर्चा घर में रक्तदान शिविर लगाकर अपने गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह का पावन अवतार माँ मनाया। यह रक्तदान शिविर ब्लॉक लालपुर लखनौरा के साथ संगत द्वारा लगाया गया। इस दौरान रक्तदान शिविर में ब्लड बैंक संजीवनी की टीम ने अपनी सेवाएं दी और 130 यूनिट रक्तदान किया गया। भवानीखेड़ा के बलियाले माइनर पर सुबह गली सड़ी अवस्था में एक युवक की लाश मिली है, जिसकी सूचना पाकर भवानीखेड़ा पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गया है। भवानीखेड़ा से तो शाम की तरफ जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित माइनर पर सुबह पुलिस को बलियाली माइनर में एक डेड बॉडी फंसे होने की सूचना मिली थी। मृतक युवक की उम्र 35 साल से ऊपर बताई जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि यह लाश काफी पुरानी है। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने में जुट चुकी है। हमें एक टेलीफोन पर सूचना मिली सरकारी फोन पर कि एक बलियाली माइनर पर एक गली सड़ी नाश पुल के नीचे फंसी हुई है, तो हमने आके देखा तो एक नाश पुल के नीचे जो लगभग 35 ऊपर की व्यक्ति की है, जो पूरी तरह गली सड़ी हुई है, जिसका कोई पहचान नहीं हो रहा, जिसका जो काले रंग का कच्छा पहने हुए है और माटी की टी शर्ट पहने हुए है, जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं, काफ़ी पुरानी लग रही है नाश, पूरी तरह गली सड़ी है, जिसकी पहचान नहीं हो पा रही। शाहबाद की सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने नगरपालिका के पूर्व प्रधान हरीश क्रवात्रा के नेतृत्व में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर शाहबाद को आवारा पशुओं से मुक्त कराने की मांग की है। वहीं पूर्व प्रधान हरीश क्रवात्रा ने कहा है कि अगर ज्ञापन की सुनवाई प्रशासन से ना की गई और आवारा पशुओं को शहर से बाहर ना किया तो एक सप्ताह के बाद शांतिपूर्ण ढंग से एक प्रदर्शन किया जाएगा और अगर प्रशासन फिर भी ना जागा तो बड़ी संख्या में लोग एसडीएम कार्यालय में धरना देंगे। सोमवार को सीएमसीटी करनाल में भी जिले भर के आशा वर्करों ने एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ रोष जताया और नारेबाजी की। आशा वर्कर ओएसटी के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन देने पहुंची। आशा वर्कर यूनियन ने मांग की है कि महामारी में काम कर रही आशाओं को जोखिम भत्ते के तौर पर 4,000 रुपए दिए जाएं। उन्होंने कहा कि आशाओं को सामुदायिक स्तरीय स्थायी कर्मचारी बनाया जाए, हरियाणा सरकार का न्यूनतम वेतन दिया जाए और इसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए। इसके अलावा उन्होंने और भी कई मांगे रखी। प्रदर्शन है जी, हमें आशा वर्कर के जिला प्रधान सुमन और हमारे जो सरकार से 2018 में समझौता लागू हुआ था वो सरकार ने अब तक नहीं दिया, और कोविड-19 में जो डॉक्टरों का भत्ता कर्मचारियों का भत्ता दुगना करने की मांग की थी वो नहीं हमें दिया गया, और हमारी मांगे थी जो 2018 में समझौता था वो अब तक नहीं दिया, और जो आशा वर्कर फ्रंट लाइन पे नीचे स्तर पे कोविड-19 में दिन रात मेहनत करके लोगों की सुरक्षा कर रही है और आशा वर्कर के लिए सरकार ने कोई सुरक्षा नहीं दी। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।